प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने शुक्रवार को योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार में अवैध कब्जों, वसूली और शराब बिक्री का विरोध करना ही उनके परिवार के झगड़े का बहुत बड़ा कारण था, जिसकी वजह से मुझे और नेताजी को अपमानित भी होना पड़ा और ये समस्या मौजूदा सरकार के साथ भी है, इसका डटकर विरोध करेंगे। दरअसल उन्होंने कहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। सैफई के हवाई पट्टी चौराहे पर समर्थकों को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार में भी गांव में खुलेआम शराब बिक रहे हैं, अवैध कब्जे चल रहे हैं, थाने व तहसीलों में भ्रष्टाचार आदि समस्याएं बढ़ती जा रही है, जिसके चलते बेरोजगारी व अपराध बढ़ रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुका है, जिसके चलते आम जनता सरकार से नाराज है। लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि इस बार उनकी पार्टी भी केंद्र सरकार में भागीदार होगी। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का मैनेजमेंट ठीक होता तो आज नेताजी प्रधानमंत्री होते। दरअसल इस तरह से उन्होंने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से अलग अपनी राहें दिखाई हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मेरे रहेगा इंतजार। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।